मशहूर क्राइम सीरियल सीआईडी में सीआईडी अधिकारी की भूमिका निभाने वाले दिनेश फडणीस का निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के कांदीवली के तुंगा अस्पताल में बीती रात आखिरी सांस ली। वे 57 साल के थे। बताया जा रहा है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स की वजह से दिनेश फडणीस का निधन हो गया है। बोरीवली की दौलत नगर शमशान भूमि में उनका आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीआईडी में दया का किरदार निभाने वाले और दिनेश फडणीस के करीबी दोस्त दयानंद शेट्टी के मुताबिक लीवर, हार्ट और किडनी की समस्याओं से दिनेश जूझ रहे थे। उनकी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थी। तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद दिनेश को 30 नवंबर को कांदीवली के तुंगा अस्पताल में हार्ट अटैक आने के बाद भर्ती कराया गया था। दिनेश फडणीस 1998 में सीआईडी सीरियल की शुरुआत से ही शो में जुड़े थे और सीआईडी के दो दशक के सफर में उन्होंने लगातार काम किया। टीवी सीरियल के अलावा उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया था। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।